वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगा आप लोगों के साथ, एंड वो रहेगा नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एंड साथ में मैं भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। आज के टाइम पे जहाँ पर पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिटी में ट्रैवल करना है तो। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी तक सब जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स आए नहीं हैं, तो जिनके वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है तो। एंड अभी बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ओनली कुछ स्टेट्स में या फिर कुछ सिटीज़ में ही अवेलेबल है, बट वो भी जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी ही इलेक्ट्रिक स्कूटर भी रिलायबल बन जाएंगे जो कि ऑल ओवर इंडिया आप ट्रैवल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक बाइक का वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहूँगा आप लोगों के साथ, एंड वो रहेगा गेसिंग गेम। ये जस्ट फॉर फन रहेगा, तो आप लोगों को जस्ट ये गेस करना है कि ये वीडियो में नंबर वन पे कौन सा स्कूटर रहने वाला है। वैसे मोस्टली तो आप लोगों को हिंट मिल गया रहेगा या फिर आप लोगों को पता होगा, अगर आपने सही कैच किया है तो नीचे कमेंट कर देना यस, या फिर उस स्कूटर का नाम टाइप कर देना, एंड जिसको भी ज्यादा लाइक्स मिलेंगे वो इज द बेस्ट गेसर। तो ज्यादा टाइम वेट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नंबर पांच पे है TVS iQube। TVS का इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये, 1 लाख का इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आपको ये पड़ जाएगा 1,10,000 में। यह सब जगह पे अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, ओनली कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है, एंड इसके हिसाब से प्राइजिंग ये है। मे बी आपके स्टेट में अलग हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट के लॉ अलग है। फुल चार्ज करने के बाद TVS iQube 75 किलोमीटर तक चलता है, ऐसा कंपनी ने बोला है। मे बी हो सकता है ये ऊपर हो, मे बी हो सकता है ये नीचे हो, ज़्यादा करके तो नीचे ही होने वाला है, बट इको मोड पे राइड करोगे तो आपको 75 किलोमीटर तक ये इजीली चल जाएगा। टॉप स्पीड है इसका 78 किलोमीटर पर आवर, जो कि सिटी के लिए मोर देन इनफ है। TVS iQube को फुल चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट लाइक 5 आवर्स तक का टाइम लगेगा। इसका वेट है 118 किलो, एंड इसके अंदर बैटरी है 3000 वाट्स की। TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्रंट में डिस्क है एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। सारा सब चीज़ जो है वो LED है। 3 साल की वारंटी या फिर 50,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी आपको इसके साथ मिल जाएगी। 0 to 40 की स्पीड 4.2 सेकंड में अचीव कर लेता है ये स्कूटर। सो आप लोगों को अगर एक बजट स्कूटर के लिए जाना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर के स्कूटर का, एंड चौथे नंबर का स्कूटर है वो है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। यस, बजाज ने अपना लेजेंडरी स्कूटर को एज अ इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट करके लॉन्च किया है, क्योंकि बजाज चेतक मुझे पता है मेरे घर पे बहुत पहले था, एंड अभी ये एज अ इलेक्ट्रिक स्कूटर करके लॉन्च हुआ है। प्राइस इसका है ऑन रोड मुंबई के अंदर 1.5 लाख के आसपास का। अगेन आपके यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, 2 वेरियंट में आता है, अर्बन और प्रीमियम, दोनों के बीच में 2,000 रुपये का डिफरेंस है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हो आपको कौन सा स्कूटर लेना है। फुल चार्ज करने के बाद आप इसको चलाओगे तो आपको स्पोर्ट्स मोड पे मिलेगा 85 किलोमीटर का रेंज, एंड अगर आप इसको इको मोड पे चलाओगे तो आपको मिलेगा 95 किलोमीटर का रेंज। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि अगेन सिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको फुल टाइम चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट 5 घंटे तक का टाइम लगेगा। इसका बैटरी बड़ा है TVS iQube से, यानी कि 3800 वाट्स का बैटरी है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है, दोनों में ड्रम ब्रेक है, साथ में आपको CBS मिल जाएगा, एंड ऑल LEDs है। 3 साल का वारंटी आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्कूटर का बात करते हैं जो कि है सिंपल वन। ये स्कूटर बेंगलुरु बेस्ड एक सिंपल एनर्जी करके कंपनी है उसका है। प्राइस इसका है एक्स शोरूम 1,09,000 रुपया। अगर आप इसको ऑन रोड लेने जाओगे तो मुंबई में आपको ये पड़ेगा 1,19,000, यानी कि 1,20,000 के आसपास में है। अगेन आपके यहाँ पे ये प्राइस डिफरेंट हो सकता है। फुल चार्ज करने के बाद आपको ये सबसे बढ़िया रेंज देता है। अगर आप इसको इको मोड पर चलाओगे तो कंपनी का दावा है कि ये 236 किलोमीटर्स तक चलेगा वन सिंगल चार्ज में। मे बी हो सकता है कि इतना अगर हुआ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टॉप स्पीड इसका है 105 किलोमीटर पर आवर, जो कि अगेन एक और अच्छा ऑप्शन है। फुल चार्ज करने के लिए आपको टाइम लगने वाला है 5 से 6 घंटे के आसपास का। अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करोगे तो मे बी हो सकता है कि थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाए। इसका वेट है 110 किलो एंड इसका बैटरी है 4500 वाट का।
फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ है, टायर प्रेशर भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो और जियो फेंसिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हैं। दोनों भी टायर्स में डिस्क ब्रेक है जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड साथ में CBS भी आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है। सो दोनों डिस्क ब्रेक विथ CBS, ऑल LED अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 0 to 40 किलोमीटर का स्पीड ये पकड़ लेता है 2.9 यानी कि ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स के अंदर। अब नंबर 2 के स्कूटर का बात करते हैं एंड वो है एथर 450X। यस, एथर के बारे में आप लोगों को पता ही है। इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक आता है प्लस वाला और एक आता है प्रो वाला। प्लस का प्राइस है एक शोरूम 1,23,000 रुपया, ऑन रोड अगर आप मुंबई में जाओगे तो आपको 1,30,000 रुपये में पड़ जाएगा। प्रो वर्जन 20,000 रुपया महंगा है कंपेयर टू प्लस वर्जन, यानी कि आप लोगों को ये 1.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा अगर आप लोग प्रो वर्जन के लिए जा रहे हो तो। कंपनी के हिसाब से अगर आप फुल टाइम चार्ज करने के बाद इसको चलाओगे तो आपको इको मोड में 115 किलोमीटर्स का रेंज मिल जाएगा एंड अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो आपको 85 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। कंपनी के हिसाब से एथर 450X का टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। फुल टाइम चार्ज करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का टाइम लगने वाला है। अगेन अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो ये जल्दी से चार्ज हो जाएगा। इसका वेट है 108 किलो एंड इसका बैटरी है 3300 वाट का। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, साथ में CBS और आपको ये ऑल LED मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 0 to 40 किलोमीटर्स का स्पीड ये अचीव करता है 3.3 सेकेंड्स में एंड इसके साथ भी आपको 3 साल का वारंटी मिल जाएगा। नंबर 1 पर आने से पहले अगर आपने सही गेस किया तो नीचे कमेंट कर देना यस। एंड अभी हम लोग बात करते हैं नंबर 1 के स्कूटर का जिसका नाम है ओला S1 या फिर S1 Pro। ये दोनों स्कूटर्स हैं नंबर 1 पे। ओला S1 एंड S1 Pro दोनों भी मस्त स्कूटर है। इनका प्राइस है 95,000 और 1,25,000। दोनों का ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा 1,04,000 या फिर 1,35,000 के आसपास प्रो वर्जन के लिए अगर आप जाने वाले हो तो। स्कूटर काफ़ी क्यूट लगता है, स्टाइलिश है, मस्त स्कूटर है। इसका बैटरी रेंज 121 किलोमीटर है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप इको मोड पर राइड करोगे तो ये 150 किलोमीटर प्लस जा सकता है, ऐसा कंपनी के हिसाब से है। ओला S1 का टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर और ये स्कूटर 0 to 40 3 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, साथ में 0 to 60 5 सेकंड में चली जाती है जो कि अगेन बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है। यहाँ पे अभी बात करते हैं इसका बैटरी का, तो इसके अंदर बैटरी लगा है 5500 वाट्स का जिसको फुल्ली चार्ज करने के लिए कंपनी के हिसाब से 5 घंटे का टाइम लगेगा। अगेन अगर आप लोग फास्ट चार्जर यूज़ करने वाले हो तो मे बी हो सकता है कि ये थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाए। ओला S1 का वेट है 121 kg। ओला के दोनों स्कूटर में आपको ड्यूअल डिस्क का सेटअप मिल जाएगा विथ CBS। सारा का सारा चीज़ इसके अंदर LED है, साथ में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है अगर आप लोगों ने इसका वीडियो देखा रहेगा तो। वारंटी का अभी फिलहाल मेरे पास तो कुछ आइडिया नहीं, अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखा है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। देखो सारे स्कूटर्स हैं उसमें आपको इजी EMI का ऑप्शन मिल जाएगा और बुकिंग करने के लिए आपको जितना मिनिमम डाउन पेमेंट हो सकता है उतना उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। इतने जल्दी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतने सारे कंपटीशन आ जाएंगे ये मुझे पता नहीं था, बट बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है एंड और भी ज़बरदस्त कंपटीशन आने वाला है। मतलब अभी तक पहुंचा नहीं है बट आ जाएगा। वैसे मैं कौन सा लूँ ये नीचे कमेंट कर देना एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड अगर आप लोगों को इसके अलावा स्कूटर के बारे में और भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। जल्दी हम लोग सारे स्कूटर्स सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर को अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं, सारा चीज़ एक एक करके सब चीज़ चेक करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बाय बाय।